गाइस नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिंह शर्मा, आप देख रहे हैं टेक्टोन। अगर आप आ ही गए तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया कि अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पांच बेस्ट ब्राउजर्स आपके एंड्रॉइड फोन के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूसी ब्राउजर को गूगल ने प्ले स्टोर से धक्के मार मार के निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि वो कुछ गलत तरीके से लोगों से वो इंस्टॉल करवा रहा था, फोर्स कर रहा था लोगों को अपना ब्राउजर का इंस्टॉल बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अब आप क्या करें, अब जो है जिन जो यूज करते हैं यूसी ब्राउजर को उनको तो आदत हो चुकी है वैसे फीचर्स को इस्तेमाल करने की, लेकिन अब आप यूसी ब्राउजर का एपीके मत इंस्टॉल कीजिए, आप कहीं थर्ड पार्टी से उसको इंस्टॉल मत कीजिए। मैं आपको ऐसे पांच ऐप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस जो है पा सकते हैं और किसी और के बढ़ाओ कितने दिन तक चाइनीज कंपनी का शादी करोगे। मैं बॉयकॉट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आज 30 दिन के लिए वो बैन है, 30 दिन के बाद दोबारा आ जाएगा, देखते हैं वो सुधार करता है कि नहीं करता। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखते रहिए और मैं बात करूंगा आपके साथ पांच ऐसे ऐप्स की जो कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे ब्राउजिंग पे, है ना। ज्यादा टाइम ज्यादा ना करते हुए दोस्तों चलिए शुरू, नहीं चलिए चलो क्या चलो वीडियो चलते हैं। हाँ, चलिए गो। जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे पांच ऐसे ब्राउजर्स की जो कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे वेब सर्फिंग का, और उसी के साथ कुछ नई चीजें मतलब। दोस्तों उनमें से कुछ ब्राउजर्स हैं जैसे कि मेन जो कुछ ब्राउजर्स हैं जैसे कि पहले नंबर पे आप क्या था क्रोम, जो जैसे कि आप जानते हैं कि वो जो है गूगल के द्वारा ही बनाया गया है। तो आप क्रोम तो आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड ही होता है, लेकिन क्रोम की एक सबसे बुरी खासियत जिसे कहते हैं बुरी खासियत जो कि उसके लिए खासियत है गूगल के लिए, जो कि वो एड ब्लॉक नहीं करता, लेकिन अगले कुछ अपडेट्स में वो कुछ अनोइंग जो एड्स होते हैं जो कि बार बार नए नए टैब्स खुलते हैं उनको जो है डिसेबल कर देगा, मतलब उनको हटा देगा, जो कि ठीक है हमारे लिए, काफी हद तक हमें जो है रिलीफ मिलेंगी एड्स से। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि गूगल जो है गूगल का एडसेंस जो है वो एड सर्व करता है, गूगल का एड ब्लॉक जो है सर्व करता है और एडवर्ड जो है एड्स जो है शो करता है। तो गूगल अगर ऐसा करेगा तो गूगल का ही रैंक कम होगा। तो दोस्तों जैसे कि अब मैंने बता दिया पहले नंबर पे आ गया गूगल क्रोम, दूसरे नंबर पे हमारा आ गया ओपेरा ब्राउजर। दोस्तों ओपेरा ब्राउजर काफी हद तक सिमिलर है उसके यूसी ब्राउजर के, लेकिन आपको इसमें भी एक ड्रॉबैक मिलता है कि आप इसमें वो नहीं कर सकते, इसमें आपको डायनामिक पेजेस का बहुत पंगा रहता है, और डायनामिक पेजेस का पंगा जो था वो यूसी ब्राउजर में भी था, लेकिन काफी हद तक चलो ऐसा चलता है। अगर आपने सैक्रीफाइस तो करना पड़ता है, यूसी ब्राउजर में कई पंगे थे लेकिन इसमें कम से कम सिक्योर तो रहेंगे। इसमें आपको जो है ओपेरा मिनी में आपको एड ब्लॉक का फीचर मिल जाता है, डाउनलोड बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोडिंग मैनेजर का ऑप्शन जो है अच्छा होता है इसमें, और इसमें आपको अनोइंग एड्स से भी छुटकारा मिलता है, और इसी के साथ ये आपका डाटा भी काफी सेव करता है। तीसरे नंबर पर हमारा आता है फायरफॉक्स ब्राउजर। दोस्तों फायरफॉक्स काफी हद तक काफी रिलायबल है, मैं पीसी में भी फायरफॉक्स को यूज करता हूँ तो काफी हद तक मतलब चल जाती है गाड़ी। दोस्तों फायरफॉक्स भी काफी अच्छा है, और इसका फायरफॉक्स का जो वेरिएंट है कई तीन चार वेरिएंट है, फायरफॉक्स नाइटली हो गया जो कि इसका बीटा वर्जन है, फायरफॉक्स एक और था सा नाइटली हो गया, और था एक फायरफॉक्स मेन, फायरफॉक्स जो है वो काफी अच्छा है। आप मेरी अजीब सी बातों से सॉरी। फायरफॉक्स हो गया। चौथे नंबर पे हमारा आता है सीएम ब्राउजर। दोस्तों सीएम ब्राउजर भी काफी अच्छा ब्राउजर है, और ये काफी अच्छे तरीके से आपको शो करेगा, मतलब आपकी वेब सर्फिंग को काफी मस्त बना देगा ठीक ठाक। और इसके बाद हमारे आता है सबसे लास्ट पे हमारा अपना तो पांचवें नंबर पे हमारे ब्राउजर आता है, कौन सा था यार वो, आई थिंक वो था कौन सा ब्राउजर था यार, 6 hours later. Dolphin browser. दोस्तों Dolphin browser जो है काफी मस्त है, इसमें आपको एडवर्ड का फीचर मिलता है, चलो जो कहते हैं उसको एड ब्लॉकिंग है वो तो है ही है, इसमें साथ ही साथ आपको एडवर्ड्स का फीचर मिलता है, मतलब आप उस तरह के एडवर्ड्स भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ थर्ड पार्टी एप्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं प्ले स्टोर पर, जैसे कि हमारा इंडियन ब्राउजर वगैरह से कई सारे ब्राउजर्स हैं। एक ब्राउजर तो ऐसा जिसमें बंदे ने कुछ मेहनत नहीं की, कोई कोडिंग नहीं की, और उस पर 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, मतलब उसने बना रखा है ऐसी ऐप, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की मदद से उसने एक ऐप बना रखा है और उस पर 5 मिलियन से ज्यादा
डाउनलोड्स। मैं आपको सर दोस्तों सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसको मत इंस्टॉल करें क्योंकि उसमें खुद ही बहुत सारी एप्स हैं, एड्स हैं, तो वो एड क्या ब्लॉक करेगा। तो इसके साथ दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके पसंद आ पाएगा। यही चलो दोस्तों मैं कुछ ही बोलता रहता हूँ, इसको इग्नोर कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई हो, अगर हाँ तो बस ये चीज आप नेट पे सर्च भी कर सकते थे ना दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काम आई हो, अगर हाँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे रिलेटेड या किसी वीडियो से रिलेटेड या कोई टैग क्वेश्चन, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, या आप सीधा मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। सभी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मेंशन है, और सभी ब्राउजर्स के जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके वहां डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तो मुश्किल काम नहीं है। बस दोस्तों आशा करता हूँ आप मेरे मिशन को द्वारा देखना चाहेंगे, अगर हाँ तो सब्सक्राइब करके जाइए और घंटे को बड़ी विनम्रता से दबाइए ताकि आप आने वाले सभी नोटिफिकेशन टिंग से पा सके। इसीलिए दोस्तों जय जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।